ये देखो अभी यहाँ पे मुर्गे पकड़े जाएंगे और काफी मशक्कत करनी पड़ती है इनको पकड़ने के लिए। ये देखो किस तरीके से सारे मुर्गे जो है ना भागते हैं यहाँ पर, और बहुत ही मशक्कत करके इनको पकड़ा जाता है यहाँ पर। ये देखो कैसे भैया मशक्कत कर रहे हैं, पकड़ लिया मुर्गे को, और ये पकड़ लिया इन्होंने और इसको बाहर लाएंगे। तो ये देखो भाई साहब ये मुर्गा पकड़ लिया। तो भैया इसकी पहचान क्या होती है देसी मुर्गे की? सबसे पहले ये कलगीज की प्योर वाली, साथ में ये देखो येलो, ये कभी आपने देखी नहीं होगी। अच्छा ये बिल्कुल येलो होने चाहिए। तो यहाँ पे मुर्गा जो है इसकी सफाई की जाती है भाई साहब एक मशीन के अंदर जो कि इन्होंने यहाँ पे रखी होती है। ये देखो इसके अंदर चिकन को डाल दिया और इसको ये ऑन कर देंगे ताकि इसके जितने भी फैदर्स हैं ना और ऊपर के जो चीज़ें उतारने वाली होती हैं वो आराम से उतर जाए। इसके फैदर ना लगभग पूरे के पूरे उतर ही चुके हैं इस मशीन में डालने। तो ये कितने की आती है मशीन? ये 45,000 की। तो भाई साहब देख लो पूरे जम्मू में ना आपको सिर्फ ये मशीन इन्हीं के पास मिलेगी। तो भाई साहब यहाँ पे ना इसको हीट किया जाता है एकदम अच्छे तरीके से। तो भैया इसको हीट क्यों करते हैं? ये पानी के छोटे छोटे फैदर आ जाते हैं इसको साफ करने के लिए। फैदर आ जाते हैं तो इसको साफ करने के लिए बड़े तरीके से हीट किया जाता है। तो ये देखो जी इसकी यहाँ पे सफाई की जा रही है। अभी जितने इसके फालतू के ऑर्गन्स हैं वो निकाल के फेंक दिए जाएंगे और ये इसकी पोटा कलेजी जो है ये साथ में दी जाती है। तो जी चूल्हा जल चुका है देसी मुर्गा बनाने के लिए। तो ये अभी इसकी कटिंग की जा रही है। तो देखो भैया कितना टाइम होगा आपको ये काम करते हुए? 4 साल। तो रोज के कितने चिकन लग जाते हैं आपके? देसी 3-4 लग ही जाते हैं। तो सिर्फ देसी बेचते हो या दूसरे भी मिलते हैं आपके पास? दोनों मिलते हैं। तो दूसरा क्या रेट मिलता है? दूसरा 400 पर केजी, जिन कच्चा मीट तोल के 400 पर केजी। और बनवाई कितनी? 300? ना साथ में। तो ये देखो भाई साहब 400 रुपये में पूरा मेरे को मुर्गा जो है आपको तैयार मिलेगा। और जो देसी मुर्गा है इसका रेट जो है ये है जी 450 रुपये किलो, और 300 रुपये जो है इसके बनाने के चार्जेस लगते हैं। और अभी यहाँ पर टमाटर काटे जा रहे हैं मुर्गे में डालने के लिए। तो भैया कितने किलो का मुर्गा था जो हमने लिया था? लगभग 1.25 किलो का ना। और इसके अंदर कितने टमाटर पड़ जाएंगे? 4। तो 4 टमाटर इसके लिए काटे जा रहे हैं मुर्गे के लिए, और देसी टमाटर यूज़ करते हैं। क्या डाल रहे हैं भैया इसके अंदर? टिक्की मसाला भैया। तो ये टिक्की मसाला होता है, किस चीज़ का बनता है भैया? लोकल है, हमारे कटरा के एरिया से आता है। अच्छा लोकल है। तो ये देखो जी ताली बजा के जो इन्होंने पैकेट फाड़ा ना, ये आ गया जी टिक्की मसाला। पूरी एक टिक्की मसाला जो है इसके अंदर डाल दी इन्होंने। अब इसको घोट के अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से इसकी पेस्ट तैयार की जाएगी, मसाला बनाया जाएगा, वो डाला जाएगा चिकन के अंदर। तो ये देखो भाई साहब पूरा बढ़िया तरीके से ना इसको अच्छे तरीके से पीसा जा रहा है, मसाले को कुटा जा रहा है। तंदूर के ऊपर जो है कढ़ाई रख दी गई है, अब इसमें ऑयल डाला जा रहा है। तो भैया सरसों के तेल में बनाते हो ये? जी भैया। तो सरसों के तेल में मुर्गा बनाया जाएगा यहाँ पर, और फुल एकदम देसी चिकन देसी स्टाइल में यहाँ पे आपको खाने को मिलेगा डीके चिकन कॉर्नर में। ये आ गई जी कढ़ाई और आ चुका है तेल। अब जैसे तेल गर्म होगा तो इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड किए जाएंगे। तो ये आ गया जी इसके अंदर प्याज। ये तेल जो है बढ़िया तरीके से गर्म हो गया था, इसके अंदर जो है प्याज ऐड कर दिए, हरी मिर्चें डाल दी हैं साबुत। देख कितनी देर भूनेंगे इसको अभी? 5 मिनट। तो लगभग 5 से 7 मिनट जो है तो प्याज जो है ना अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब इसमें देसी मुर्गा यानी कि देसी चिकन ऐड किया जा रहा है। ये आ रहा है देसी चिकन। ओहो ये आवाज़ सुनो। और ये इसके पंजे भी जो है ना ये पूरे बढ़िया तरीके से साफ करके डाले जाएंगे इसके अंदर। पंजे इसके अच्छे से साफ कर दिए मैंने। तो भैया स्किन उतारनी जरूरी होती है इस पे से? बहुत गंदी होती है। और ये देखो भाई साहब मुर्गा ये देख रहे हो, इसी का स्वाद आता है। जितने भी नॉनवेज लवर है ना भाई साहब, अगर मुर्गा खाते हो ना तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। ये देखो उसको भूना जा रहा है, और सबसे बढ़िया बात इसकी रहती है कि इसके ना पंजे भी जो है वो साथ में दिए जाते हैं, क्योंकि देसी मुर्गे के लिए कहा जाता है अगर देसी मुर्गा खाया और उसके पंजे नहीं खाए तो चिकन खाना लाना चाहिए चिकन खाने से। और यहाँ चूल्हे की फ्लेम को तेज़ करने के लिए इसमें और लकड़ें दी जा रही हैं। ये देखो लकड़ें इसमें और लगा दी हैं, और ऊपर इस पर टोपी बना दी गई है, टोपी से ढक दिया गया है ताकि मुर्गा जो है अच्छे से गल जाए, आधा घंटा ऐसे ही रखा जाएगा इसको भी। तो ये देखो भाई साहब बढ़िया तरीके से चिकन जो है ना यहाँ पे भुन रहा है, और अभी इसमें मसाले डाले जाएंगे। तो क्या क्या अभी इसके अंदर? नमक हल्दी और मिर्ची। तो नमक हल्दी मिर्च और नमक जो है तीन चीज़ें इसके अंदर ऐड की जा रही है, और ये मसाले भी जो हैं सारे इनके खुद के पीसे हुए रहते हैं।
तो ये देखो भाई साहब बढ़िया तरीके से एकदम ना अच्छे से राड लगाई जा रही है इसको यहाँ पर। चल जाए तो भाई कितने देर लगती है देसी मुर्गे को गलने में? 20 मिनट का, कम से कम 20-25 मिनट। वो कह रहे हैं भैया नाना करते भी आधा घंटा इसमें लगी जाता है और आधा घंटा जो है इसको ऐसे ही रखा जाएगा अभी। तो अब इसके अंदर जो है ये मसाला ऐड किया जा रहा है जो अभी इन्होंने खुद कूट कूट के बनाया है। तो ये मुर्गा जो है अच्छे तरीके से भुन चुका है और मुर्गा गल चुका है। अब इसके अंदर ऐड किए जाएंगे जी ये टमाटर। तो ये आ गए जी इसके अंदर टमाटर। अब बढ़िया तरीके से इसको भुना जाएगा अच्छे से। और कढ़ाई जो है उतार के अब इस चूल्हे से नीचे रख दिया। अब जितना चिकन है इसको सारा एक प्लेट के अंदर बढ़िया तरीके से ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा। इतना धुआं निकल रहा है ना इसके अंदर से, एकदम गर्मा गर्म है। ये देखो ये आ गया जी प्लेट के अंदर देसी मुर्गा यानी कि देसी कुकड़। और ऊपर देखो लेग पीस चेक करो, इसका साइज़ देखो लेग पीस का, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब जल्दी से इसे टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि जी इसका कैसा टेस्ट है। तो ये देखो भाई साहब ये देसी चिकन जो है ना ये बन के तैयार हो चुका है। और अगर आप भी ऐसा देसी चिकन खाना चाहते हो ना तो आप विजिट कर सकते हो डीके चिकन कॉर्नर कट्टल बटाल में। और अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और ऐसी बढ़िया बढ़िया खाने की बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फूड लवर को फॉलो ज़रूर करना।